जो भी मेहनत है मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा बॉस और पूरी सी टीम का है क्या बात है? तो धन्यवाद उनको कि खुशी मुझे लग रहा था कि मेरे से ज़्यादा बॉस को हुई होगी पहले ही जब रिजल्ट आया तो ये मेरा सबसे पहले यही कहना है कि आपका जब टेस्ट हो तो टेस्ट और जगह भी होते हैं पर टेस्ट के बाद में जो आप मिस्टेक्स करते हैं ना ह्यूमन नेचर में मिस्टेक्स सबसे होती है मिस्टेक करनी जरूरी भी होती है कभी कभी ताकि वो क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ हुआ है ना जो सही वे हुए हैं वो आपको याद रहे ना रहे या मैं गारंटी से नहीं कह सकता पर जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगे तो सबसे पहले तो आपके जो गलत क्वेश्चन है उनको क्लियर कीजिए उनको क्लियर कीजिए उनके आसपास के एक दो टॉपिक हैं उनको क्लियर कीजिए तो सी सी जब मैं आया था तो मेरी दीदी ने रेफर किया था पापा ने रेफर किया दीदी पहले से सेलेक्ट थी दीदी पहले हम दोनों एक ही स्कूल में थे जे एन वी पाटन शिखर में तो दीदी का मन था कि फाउंडेशन करेंगे तो पापा ने एक दो कोचिंग और देखी फिर मन आया कि सी एल सी तो सी एल सी में जब एक दो माइनर हुआ तब लगा कि विश्वास तो था वो सही निकला फिर सी एल सी में दीदी दो हजार उन्नीस में सेलेक्ट हो गई रैंक भी बढ़िया थी सेवन सेवन थ्री एस एम एस मिल गया घरवाले खुश थे अब फिर बात बच गई मेरी तो यह तो पहले से डिसाइडेड था कि जाना सी एल सी में ही है कि मतलब घर वालों को लगने लग गया था कि सलेक्शन तो इसका भी हो जाएगा बस मेन बात रैंक की है फिर जैसे जैसे टेस्ट हुए अचानक से कोरोना आ गया तो कोरोना में सपोर्ट सबका रहा कि ऑनलाइन क्लासेज आने में देरी नहीं हुई कभी क्लासे ली ऑनलाइन टेस्ट होते थे उनके डाउट काउंटर ऑनलाइन डाउट काउंटर होना बड़ी बात होती है सर तो वो उनसे डाउट सोल्व हो गए सारे और मेन बात बस सपोर्ट रहा हमेशा और कुछ कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है आप आइए फिर आपको नहीं पसंद आए तो आप छोड़ के जा ही नहीं पाए जा पाएंगे मेरा तो यही कहना है कि पहले एक बार इस्तेमाल कीजिए विश्वास अपने आप हो जाएगा क्या बात ये बी बिल्डिंग की क्या क्वालिटी है कि आप वहां मस्त भी रहे तो आपके नंबर आ जाते हैं वहां ऐसा क्या है सर बी बिल्डिंग हॉस्टल नहीं है बी बिल्डिंग फीलिंग्स आती है बी बिल्डिंग वार? में होता तो तो है सिंगल था हाँ सिंगल रूम था कि आप अकेले रहो पर आपको यह ना लगे कि आप अकेले हो मन की यह बात है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और आस पास वाले सारे आके आपको पूछ लें कि आज कौन सा गलत हुआ अपने गलत हुए बता दें तो वो क्वेश्चन तो आपको याद रहेंगे क्योंकि एक बार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला था सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड फ्यूचर। बात एकदम सही है जब नतीजा आपके पक्ष में नहीं हो पर जब नतीजा आपके पक्ष में होता है ना तब तो यही बात गलत हो जाती है कि सिंगल पीस ऑफ पेपर है ना आपका पूरा करियर डिसाइड कर देता है तो मेरे लिए तो मेरे को लगता है नीट का रिजल्ट ही है